3, 2, 1, go. योगी जी, इस कार से उतर के आओ, जल्दी उतर के आओ। वो देखो मोदी जी बुला रहे हैं, तुमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है। आओ जल्दी आओ, तुम्हारा चालान कटेगा। इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी, आप ही बताइए क्या करना चाहिए इनके साथ। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया, तुम रिटायर जल्दी होने वाले हो, आखिरी टाइम में अच्छे चालान कर रहे हो तुम गाड़ियों के, बहुत बढ़िया। क्यों भाई योगी जी, तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रखी थी? तुम्हारा चालान कटेगा, कार का चालान कटेगा। मोदी जी मेरा चालान तो काट रहे हो, लेकिन ये चालान बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, समझ लेना मेरी इस बात को, गौर से समझ लेना। अरे चालान तुम्हारा कट रहा है, मुझे भारी क्यों पड़ेगा ये बताओ भाई, मुझे भारी क्यों पड़ेगा? तुम्हें भरना है, तुम्हें भारी पड़ेगा, काटो भाई चालान इनका। अखिलेश निकालो जल्दी मशीन और काटो इनका चालान, ये चालान काट के दो इनके हाथ में। लो मोदी जी, कट गया योगी जी की कार का चालान, ये लो। मोदी जी तुमने मेरा चालान तो कटवा दिया, लेकिन मैं लूंगा नहीं ये, हाथ में नहीं लूंगा। अरे उसमें क्या है योगी जी, नहीं लोगे तो पोस्ट ऑफिस से तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, हम घर भेज देंगे तुम्हारे, चालान तो तुम्हें भरना पड़ेगा। अरे जब सीट बेल्ट नहीं लगाई तो कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे मोदी जी मुझसे गलती हो गई, सीट बेल्ट नहीं लगाई, लेकिन आगे लगा के रखूंगा, और आप सबको भी कह रहा हूँ कि सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखें। चलो ठीक है, ये चालान मुझे दे दो, भरते टाइम कम से कम आगे मुझे याद तो रहेगा कि मुझे हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए। अरे योगी जी, लालू जी और अखिलेश तुम मेरे पीछे क्यों चले आते हो ये बताओ? मैं जहाँ पर भी जो भी सब्जी बेचने जाता हूँ तुम मेरे पीछे चले आते हो, और मैं जिस दिन जो भी सब्जी लेके जाता हूँ वो ही सब्जी लेके जाते हो तुम। आज मैं भिंडी लेके जा रहा हूँ तो तुमने भी भिंडी मोल ले ली, तुम भी भिंडी लेके चल दिए मेरे पीछे। मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो, हटो मेरे पीछे से। अरे मोदी जी तुम जहाँ पर भी जाते हो, जो भी सब्जी लेके जाते हो, वहाँ पर ग्राहक बहुत आता है, बहुत आदमी आता है तुम्हारी सब्जी लेने के लिए, और हम तुम्हारे पीछे लग जाते हैं, साथ में हमारी भी सब्जी बिक जाती है। आज तुम भिंडी लेके जा रहे हो तो हमने भी भिंडी ले ली कि तुम्हारे साथ साथ में हमारी भी भिंडी बिक जाएगी। क्यों अखिलेश? अरे सही कह रहे हो योगी जी, परसों मेरी प्याज नहीं बिक रही थी, मैं सब में घूम रहा था, जब पता चला कि मोदी जी दूसरे गांव में प्याज बेच रहे हैं, मैं बही पे पहुंच गया। बही पर जाते ही तुरंत मेरी प्याज इनके बराबर में बैठते ही तुरंत बिक गई। क्यों लालू जी तुम पीछे क्यों लगे रहते हो इनके? अरे अखिलेश मैं तो ये देखने की कोशिश करता हूँ कि इनमें सामान बेचने की ये कला आई कैसे, यही देखने के लिए मैं इनके पीछे पीछे जाता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से सब्जी बेचते हैं, मिनट में इनकी सब्जी बिक जाती है, बिल्कुल कुछ ही मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट, और हम बैठे रहते हैं, हमारी सब्जी नहीं बिक पाती, पता नहीं किस तरीके से बेचते हैं ये। अरे तुम मेरे पीछे जिंदगी भर रहोगे लालू जी, योगी जी, अखिलेश, लेकिन तुम मेरे सामान बेचने का तरीका कभी नहीं जान पाओगे। अरे योगी जी उठाओ उठाओ, मट्टी गिर जाएगी, उठाओ ऊपर उठाओ, अरे सर पे रखो अपने, उठाओ इसे, नहीं तो गिर जाएगी मट्टी सारी, उठाओ जल्दी उठाओ। अरे मोदी जी मैं क्यों उठाऊं मट्टी ये बताओ, हर बार मैं ही उठाता हूँ, मैं क्यों उठाऊं, मैं नहीं रखूंगा सर पे मट्टी, मेरा सर गंजा हुआ जा रहा है मट्टी उठाते उठाते। तुम उठाओ, आज तुम्हें उठाना पड़ेगी ये मट्टी, तुम रखो अपने सर पे, एक तो वजन बहुत है, अरे बीच में कैसे जाम कर दी है ये मट्टी, रखो अपने सर पे। देखो योगी जी ज्यादा बातें मत बनाओ, जब अपना मिलके काम पे लगे थे तो ये तय हुआ था 15 दिन सर पे मट्टी मैं उठाऊंगा, 15 दिन सर पे मट्टी तुम उठाओगे, अभी तुम्हारे 13 ही दिन हुए हैं, अभी पूरे 15 दिन नहीं हुए हैं, 2 दिन मट्टी तुम्हें और उठाना है। अरे मोदी जी 2 दिन गए भाड़ में, मैं 1 सेकंड मट्टी नहीं उठाऊंगा अभी सर पे, मेरा सर गंजा हुआ जा रहा है उठाते उठाते, अब तुम उठाओ कुछ दिन, तुमने ये तय किया है 15 दिन मैं, 15 दिन तुम उठाओगे, अरे मेरे 15 दिन होते ही तुम काम बदल दोगे, अरे यहाँ की मेहनत मेरे से हो जाएगी, तुम काम बदल दोगे, तुम्हारा नंबर आएगा तुम काम ही नहीं करोगे, मैं नहीं उठाऊंगा तुम ही उठाओगे, तो फेंक दो मट्टी को, मैं भी कौन सा उठाने वाला हूँ, फेंक दो आज ही से काम छोड़ते हैं, छोड़ देता हूँ आज ही से काम मैं। अरे योगी जी और अखिलेश तुम इतने बड़े हट्टे कट्टे हो दोनों लोग, तुमसे 2 बकरी नहीं संभाली जाती, हम तुम्हें 2 बकरी चराने के लिए भेजते हैं, तुमसे वो भी नहीं संभाली जाती। अखिलेश तुमने योगी जी को कैसे गिरा दिया इनको, ये देखो कैसे गिरे पड़े हैं बिल्कुल। अरे मोदी जी मैंने बिल्कुल भी इन्हें नहीं गिराया है, बिल्कुल भी नहीं गिराया है, इनसे पूछ लो, ये काली वाली बकरी है जो, ये बहुत शैतान है, ये हम दोनों को बहुत परेशान करती है, इसको बेच दो तुम, इसी ने ही इन्हें गिराया है समझे, ये खींच के ले जा रही थी इनको।
हाँ मोदी जी, अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इस काली वाली बकरी को भेज दो, समझे? ये काली वाली बकरी बहुत परेशान करती है, ये घास भी नहीं चरती है, इधर उधर फिरती रहती है। वो देखो मेरे पीछे जो सफेद वाली बकरी है, कितनी सीधी बकरी है, जो हम सुबह से लाते हैं शाम तक चरती रहती है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। देखो इस काली वाली बकरी ने मुझे गिरा दिया मुझे। अखिलेश की कोई गलती नहीं है, उसका कान मत पकड़ो, ये काली वाली बकरी की गलती है, समझे? छोड़ो मोदी जी अखिलेश का काम। मुझे लगता है मोदी जी, ये अखिलेश और योगी जी दोनों ही निकम्मे हैं, एक जरा सी बकरी नहीं संभाल पाते, समझे? क्यों मोदी जी? अरे हम अपने जमाने में कितनी बढ़िया बकरी चराते थे, तुम्हें याद है वो दिन? क्यों मोदी जी? हाँ लालू जी, तुम सही कह रहे हो, ये दोनों ही इस काली वाली बकरी को बिकवाना चाहते हैं, उसके बाद सफेद वाली बकरी को भी बिकवा देंगे। सोच रहे हैं कि दोनों बकरी नहीं होंगी, कोई काम ही नहीं बचेगा चराने का हमें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई भी बकरी नहीं बिकेगी, तुम दोनों को चरा के लाना है रोज। हेलो हेलो, कौन? के एल राहुल बोल रहे हो? अरे मैं मोदी बोल रहा हूँ, मोदी। अरे तुम्हारी टीम ने कल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने मैच जिता दिया और पूरे 10 के 10 विकेट से, तुम्हारे आते ही 10 विकेट से जीत गई टीम इंडिया। क्या कप्तानी की तुमने, मैंने इसीलिए फोन किया है, मैंने कही तुम्हें जीत की मुबारकबाद दे दूं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तुमने। और सब ठीक है वहां पे? अरे मोदी जी, तुमने मुझे अपने आप फोन किया है, मेरे तो दिन न्यारे हो गए, मजा आ गया मुझे। प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया है हमने, और आगे भी ऐसा ही प्रदर्शन करते रहेंगे। अब हम जरा भैंसा गाड़ी से शहर करने के लिए निकले हैं। जीत के बाद ये धवन भैया बोले कि मुझे थोड़ा जिम्बाब्वे घुमा लाओ, तो मैं जिम्बाब्वे घूम रहे हैं हम ये भैंसा गाड़ी से जीत के बाद। अरे राहुल राहुल, मोदी जी से मेरी भी बात कराओ। करा दो यार, थोड़ी करा दो, मैंने भी तो रन मारे हैं। अरे मेन काम तो मैंने ही किया, मैंने 10 विकेट से जिताया है टीम को। अरे ये कौन बोल रहा है? ये धवन की आवाज आ रही है, धवन से मेरी बात कराओ, उसने बड़ा अच्छा काम किया है, 81 रन मारे हैं। और दीपक चाहर ने भी बहुत बढ़िया काम किया है, उसने 27 रन देके 3 विकेट लिए हैं, बहुत मजेदार प्रदर्शन। मोदी जी मैंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, मेरे बारे में थोड़ा सा सोचना जरा थोड़ा सा। अरे धवन किस बारे में सोचूं? बताओ तो तुम किस बारे में, बताओ मुझे। अरे मोदी जी क्या बोलूं, अभी जरा मेरे हाथ में फोन होता तो मैं खुल के बोलता, ये केएल राहुल ने स्पीकर पे फोन कर दिया है तो मैं ऐसी बोल रहा हूँ। वो थोड़ी सी जरा प्रदर्शन अच्छा किया था मैंने, कप्तानी उप्तानी मिल जाती तो काम बन जाता। मोदी जी कप्तानी के बारे में सोचना जरा, मोदी जी फोन रखवाता हूँ मैं, ठीक है? चल ठीक है केएल राहुल, फोन काट दे। भाई योगी जी इधर आ जाओ, तुम्हें वो पान खिलाऊंगा, तुम पूरा दिन याद करोगे मेरे ही पान को। आ जाओ जल्दी आ जाओ, बनारसी पान खिलाऊंगा तुम्हें मैं। अरे मोदी जी मैं दुनिया का पान खा लूंगा, तुम्हारा पान तो खाऊंगा ही नहीं। तुमने उस दिन मेरे पान में इतना चूना लगा दिया कि मेरा मुंह ही कट गया, तुम्हारा पान नहीं खाऊंगा मैं, किसी हाल में भी नहीं खाऊंगा। अरे योगी जी तो यहाँ पर आ जाओ, हम भी पान की दुकान लेके बैठे हैं, हमारा पान तो तुम कभी खाते ही नहीं हो। आ जाओ मैं खिलाता हूँ तुम्हें, कम चूने का बहुत ही बढ़िया और अच्छा कट्ठा लगा के, आ जाओ। अरे अखिलेश ये कोई कहने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा ही पान खाने के लिए आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, लगाओ बढ़िया सा पान, एक बनारसी पान। योगी जी ये तुम गलत कर रहे हो, तुम अखिलेश का पान खा रहे हो, तुम हमेशा मुझसे पान खाते थे, समझे? जरा सा चूना क्या ज्यादा लग गया, तुम पानी खाना छोड़ रहे हो मेरा। अरे मैं आज कम चूना लगा दूंगा, तुम मुझसे पान खाओ, चूना नहीं लगाऊंगा अब मैं तुम्हें। अरे बिना चूने का पान लगा दूंगा, आओ तो मेरी दुकान पे आओ। अरे योगी जी इनकी बातों में मत आना, आज मेरा पान खा के देखो, नहीं तो ये फिर से तुम्हें इतना चूना लगा देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे। अरे मेरा तो एक बार खा के देखो, आओ ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा पान, आ जाओ।